नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह जो आप सड़क देख रहे हैं, सुबह का यह नज़ारा है और यह उत्तर प्रदेश के झांसी का बड़ा गांव गेट का आपको हम नज़ारा दिखा रहे हैं। कई सालों के बाद आप इस सड़क को देख रहे हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से बदलाव है। सुबह का समय है लेकिन यहां के जो इस हिस्से को आप देख रहे हैं, यहाँ व्यवसायिक गतिविधियों का एक केंद्र बन गया है, क्योंकि बड़े गांव गेट के बाहर कई सारी कॉलोनियों का निर्माण हुआ है। उन कॉलोनियों के निर्माण ने यहाँ के स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया है और ये जो कल तक इलाका खेत खलिहान वाला हुआ करता था, आज पूरी तरह से बस्तियों में तब्दील हो गया है। हर गली में आपको ऊँचे ऊँचे मकान और दुकानें नजर आ जाएंगी। आपको बाजार जाने की अब जरूरत नहीं होती है। सुबह चाहे नाश्ता करना हो या हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े से लेकर कुछ भी आपको लेना है वो आपको इन बस्तियों के बाहर के बाजारों में मिल जाता है। और यह चौराहा जो आप देख रहे हैं, यहाँ से बाई तरफ चलते हैं तो चूना भट्टी की तरफ रास्ता जाता है और सीधा रास्ता यह सखी के हनुमान मंदिर की तरफ जाने वाला है, जबकि दाएं तरफ का रास्ता अंजनी माता हनुमान जी के मंदिर की तरफ का ये रास्ता, ये देख सकते हैं रास्ता अंजनी माता हनुमान जी के मंदिर की तरफ, नारायण बाग की तरफ जाता है। और यहाँ पर जो हम आप चल रहे हैं, ये देख सकते हैं सुबह सुबह स्कूल की तैयारियों में बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे। हालांकि सर्द कोहरा बहुत है, ओस भी गिर रही है, लेकिन सुबह के समय का ये नज़ारा है। बड़े गाँव गेट के बाहर की यह बदलती तस्वीर, जहाँ कई सालों पहले तक आपको कुछ दिखाई नहीं देता था, यहाँ आने में लोग डरते थे, आज यहाँ पर निवास बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च करना पड़ते हैं तब जाकर आपको यहाँ अंदर कॉलोनी में कहीं मकान या प्लॉट मिल पाता है। तो झांसी जिस तेजी से विकास के रास्ते पर चली है, लोगों ने अपने को नए मकानों में समेटने की, वहाँ पर बसने की जो जिद है उसको जिस तरह से किया है, ये अंदर जाएंगे तो कई सारी कॉलोनियाँ गलियों में आपको दूर दूर तक नज़र आ जाएंगी। ये मुख्य मार्ग है जो बड़े गांव गेट बाहर मुक्तिधाम, मेरी गांव और सखी के हनुमान मंदिर की तरफ जाता है। यहाँ से अंदर जो कॉलोनी है ये अन्नपूर्णा कॉलोनी है। अंदर सामने बड़े बड़े शोरूम देख सकते हैं आप। यहाँ कभी कल्पना नहीं की होगी लोगों ने कि ऐसे बड़े शोरूम, ऐसी बड़ी बदलाव होगा, वो भी ऐसे मार्ग पर जिस मार्ग पर जंगल और खेत खलिहान के सिवा कुछ नहीं होता था। सुबह सुबह कितना सन्नाटा है, लेकिन 10 बजे के बाद यहाँ पर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। वाहनों की रेलम पेल के साथ में लोगों की भाग दौड़, ये बदलता हुआ झांसी है, नया झांसी जो दूर दूर इलाकों में जाकर अब आपको बस्तियों के रूप में, कॉलोनियों के रूप में नज़र आने लगा है। और यह बताता है कि हम किस तेज़ी से अपने शहर जो मूल निवास होते हैं उसको छोड़कर दूर इलाकों में जाकर बस रहे हैं और नई बस्तियों के निर्माण हो रहे हैं। यही दिखाने के लिए हम कोशिश करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि किस इलाके में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह का बदलाव है। हालांकि अभी यह सड़क डल गई है, पहले यह सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब थी जिसके चलते यहां से लोगों को निकलना मुश्किल होता था, लेकिन अब यह सड़क पूरी तरह से बदल गई है। और सुबह सुबह जो आप नाश्ते की दुकानों पर देखेंगे तो लोगों की भीड़ नज़र आ जाएगी। एक यह जो मोड़ दिख रहे हैं या सीधा नारायण बाग झांसी का जो है वहाँ आपको जाएगा। हमारे कई सारे सब्सक्राइबर इस बात को कह रहे थे कि साहब बड़ा गांव गेट बाहर का आप हमें नज़ारा दिखाइएगा, तो हम आपको यह बदलाव दिखा रहे हैं बड़ा गांव गेट का। और आपको बता दें कि यहाँ पर सुबह सुबह टहलने के लिए भारतीय प्रजा शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित पंकज रावत जी भी निकले हुए हैं, सुबह सुबह ये टहलने के लिए निकले हैं। और आज सखी के हनुमान मंदिर यह पैदल ही जा रहे हैं।
अच्छा लगता है जब कोई अपनी सेहत को बनाने के लिए इस प्रकार एक बड़े पद पर होने के बाद भी यात्रा करता है। तो यह बदलाव बड़े गांव गेट बाहर का है जो आपने देखा। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी। अब आप जो बड़ा गांव गेट के बाहर का 10 बजे के बाद का नज़ारा है वो देख लीजिएगा, सुबह के बाद किस तरह से जो दुकानें हैं वो खुल गई हैं और हलचल जबरदस्त तरीके से तेज हो गई है।